की बात जब करते हैं मतलब जब इतने मुश्किल वक्त आता है तो जो हमारे साथ में खड़े रहते हैं वो हमारे परिवार वाले रहते हैं सो so, ये दिस द राइट टाइम आदित्य बैर आप उद्धव जी राज साहब अमित दैट आप सब लोग एक साथ आके इससे लड़े अ, क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई पहल हुई है जिसमें आप और राज साहब या दोनों परिवार एक साथ आके इस चीज से लड़े नहीं उसको हम के कभी नहीं डिनाई करते हैं कि परिवार हमारे साथ खड़ा रही है अगर आज देखें तो जो भी दुनिया में हमारे साथ लोग खड़े वो हमारा परिवार ही है और वो वैसे ही रहेगा नहीं उन्होंने जो कहा लोग वही बात कहते हैं कि राज ठाकरे ठाकरे और उद्धव एक साथ आने चाहिए आदित्य और अमित एक मंच पर दिखना चाहिए आपको क्या लगता है देखिए अतुल जी मैं तो हर दिन पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ जो सही है जो गलत है उसके बारे में बात करते रहता हूँ अगर आप देखें तो ये सारी जो बातें हैं ये काफ़ी पर्सनल बातें हैं अलायंस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए किसी के साथ कोई भी पक्ष हो आज अगर आप देखें माहौल हमारे देश में तो हम सारे लोग एक ककून में रह रहे हैं ककून में जी रहे हैं कि हमें लगता है कि हम ही का, काफी इंपॉर्टेंट है हमसे बढ़कर काफ़ी सारे विषय है जो लोगों को आज तकलीफ दे रहे हैं महंगाई के हों अगर आप देखें तो काफ़ी सारी तकलीफें लोगों की है ये तकलीफें जो है अलायंस हो ना हो परिवार आए ना आए हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो पचास साल पहले हुआ बीस साल पहले हुआ उसी पे झगड़ रहे हैं कोई भी फ्यूचर के लिए झगड़ रहा ही नहीं है कोई भी आज कह रहा नहीं है कि इलेक्ट्रिक बसेस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए हाईवेज बनने चाहिए तो मुंबई जैसे बनने चाहिए कि जोशीमठ जैसे बनने चाहिए तो मुझे लगता है कि थोड़े हमें भी इस बात से बाहर आना चाहिए कि अलायंसेस की बात हो ये झगड़ों की बात हो ये एक अंदरूनी बात होती है लेकिन अगर आप देखें तो आम आदमी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है